नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश। आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल। और जैसा कि हम सबके मन में खुशी है, आपके मेरे और सभी सुशांत के फैन के मन में खुशी है कि केस सीबीआई को चला गया है। अब सीबीआई खोज कर सारे सबूत निकाल लेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो जैसा कि कल हम दिशा शैलियन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बात कर चुके थे, हमने काफी पॉइंट डिस्कस किए उनके टाइम को लेकर, जिस टाइम पे पोस्टमार्टम हुआ उस टाइम को लेकर, और उनकी इंजरीज को लेकर भी हमने पोस्ट जो है काफी डिस्कशन किया था। और इसके आगे हम बढ़ते हैं कि और क्या है। देखिए, मैंने आपके सामने कल 17 पॉइंट डिस्कस किए थे, आज उससे आगे बढ़ते हैं। मैं क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वाकई में ये अलाउड नहीं है और मेरे पास यूट्यूब से मेल आया था, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी मुहिम में और जानते हैं कि दिशा शैलियन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे क्या कहती है। तो जब बात होती है उनकी इंजरीज के बारे में, तो वहां पर लिखा जाता है, अब आप ध्यान देकर सुनिएगा, सबसे पहली बात लिखी जाती है कि क्लियर वुंड, वुंड का मतलब इंजरी होता है या चोट के निशान, उनके चिन के पास जो 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रहे थे। कि कितना एग्जैक्ट डॉक्टर ने लिखा है यहाँ पे, 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर का चिन के पास एक उनको एब्रेशन दिखाई दे रहा है जो रेडिश कलर का है और इरेगुलर है। अब आप देखिए, अगर वो इरेगुलर है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर डायमेंशन का वो कैसे है। दूसरी बात वो बताते हैं कि उनके चेस्ट पर आगे की तरफ काफी एब्रेशंस कहते हैं, जब छिल जाता है, जब किसी चीज से घर्षण होता है, कॉन्टेक्ट होता है, उस चीज को हम एब्रेशन कहते हैं। तो आगे की तरफ काफी चेस्ट पे छिला हुआ है, उनके एब्रेशन है। फिर वो कहते हैं उनकी राइट एल्बो पर कॉन्ट्यूजन और एब्रेशन दोनों है, छिला हुआ भी है और कॉन्ट्यूजन माने ब्रूज मार्क भी है। तो ये कैसे पॉसिबल है इस तरीके से टकराए? देखिए, ये बात तो एक साबित हो गई कि दांत टूटे हुए हैं और चेहरे पर काफी चोटें हैं और चेस्ट एब्रेडेड है, तो वो आगे चेस्ट के बल वो गिरी होंगी। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा ये बात। उसके बाद एल्बो पर, राइट एल्बो पर कैसे एब्रेशन आया, हो सकता है कहीं टकराने से आ गया हो, हो सकता है कहीं बीच में वो कहीं टकराई हो, या फिर वो एल्बो के बल गिरी हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ मैच नहीं कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि एब्रेशन, फिर से उनको एब्रेशन, जो खरोंच के निशान है वो उनको अपर थाई पर मिलते हैं, राइट अपर थाई पर उनको एब्रेशन मिले हैं। और उसके बाद घुटने पर भी उनको एब्रेशन मिले हैं जो रेड कलर के हैं, देखने में रेडिश। देखिए, रेडिश का मतलब है फ्रेश एब्रेशंस। जब चोट लगती है तो जिस तरीके से चोट पुरानी होती चली जाती है, उस तरीके से वो ब्राउनिश होती चली जाती है। और उसके बाद वो लिखते हैं कि उनकी राइट हील पर मतलब एड़ी पर चोट लगी हुई है जो फिर से रेडिश कलर की है। मेरी ये पोजीशन समझ में नहीं आ रही है, आगे के चेस्ट पे उनके जो है चोट के निशान है और फिर एल्बो पर आ जाते हैं, पीछे की तरफ थाई पर आ जाते हैं, नीज पर आ जाते हैं और फिर हील पॉइंट पर आ जाते हैं। कैसे बॉडी गिरी रही होगी, ऐसे बॉडी कैसे गिर सकती है, ये पोजीशन आप रिकंस्ट्रक्ट करके अपने माइंड में देखिएगा। आगे भी मैं इसको एनिमेशन के थ्रू ये कोशिश करूंगा कि आपको मैं इस बारे में बताऊं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको कोई और इंजरी देखने को मिली एक्सटर्नल, तो उसमें उस जगह को खाली छोड़ा गया है, उनको कोई एक्सटर्नल और इंजरी देखने को नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद वो एक कॉलम होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसमें कहा जाता है कि क्या आपको ये देखने से लगता है ये इंजरी एंटीमार्टम यानी कि मौत से पहले की है या पोस्टमार्टम मौत के बाद की है। तो उन्होंने साफ लिखा है कि ये मौत के पहले की है। ठीक है, डेफिनेटली एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम इंजरीज में हम इजीली पता लगा सकते हैं एंजाइमेटिक हिस्ट्री, क्योंकि जब भी हमारी, जब हम मरे नहीं होते हैं और कोई चोट लगती है तो बॉडी हील करना चालू कर देती है तुरंत, तो उन हीलिंग फैक्टर्स को देखकर हम पता लगाते हैं। और किसी के मौत के बाद अगर कोई उस पर दोबारा से चोट लगाई जाती है कुछ भी, तो उसमें हीलिंग फैक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो उस तरीके पता लगाता है। यहाँ उन्होंने साफ लिखा है कि एंटीमार्टम इंजरीज थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है सर के बारे में, हेड के बारे में। देखिए, हेड फॉलिंग फैटलिटीज में अपने आप में इतना बड़ा सबूत होता है कि उसको देखकर हम ये पोजीशन बता सकते हैं कि पहले सर टकराया था, पहले पैर टकराए थे या क्या हुआ था। यहां पर जब वो हेड इंजरीज, स्काल्प की बात आती है कि स्काल्प पर कोई हेड इंजरी, तो वो लिखते हैं निल, यानी कि कोई भी इंजरीज उस समय हेड पर नहीं रही थी। उसके बाद जब स्कल के बारे में बात पूछी जाती है, स्कल जो है हमारा, स्कल के बारे में बात पूछी जाती है कि कहां पर चोट लगी है, तो वो कहते हैं कि मिडिल से लेकर और फ्रंट तक उनके चोट लगी थी स्कल पर।
फिर जब ब्रेन के बारे में बात पूछी जाती है तो मेनिंजेस, मेनिंजेस कहते हैं देखिए उस झिल्ली को जो हमारे स्कल और ब्रेन के बीच होती है, जो हमारा ब्रेन होता है वो एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, उसके ऊपर स्कल होता है, तो जो झिल्ली होती है जो मेम्ब्रेन होती है उसको मेनिंजेस कहते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि वो इंटैक्ट थी, यानी कि उस पर कोई भी चोट नहीं लगी थी। तो क्या मान सकते हैं आप इसको, क्या सर टकराया होगा? अगर सर इतनी तेज टकराया होता तो मेनिंजेस भी फट जाती। अब या तो वो चीज ठीक है कि मेनिंजेस फट जाती, या फिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलती है कि मेनिंजेस इंटैक्ट है, उनके पास कोई फॉर्मेट पूरा रहा होगा ऐसी फॉलिंग फैटेलिटीज का, वो देख के सीधे कॉपी पेस्ट करते चले गए, भरते चले गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक घंटे में पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ब्रेन मैटर के बारे में बात आती है, यानी कि ब्रेन मैटर जो ब्रेन है अंदर से, देखिए मेनिंजेस जो झिल्ली है वो इंटैक्ट है, पर ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, जो हेमरेजिक ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा चोट लगी है, उसकी वजह से वो काफी ब्लड वेसल्स फट गई हैं और वहां पर काफी ब्लीडिंग दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि झिल्ली नहीं फटी है, मेम्ब्रेन नहीं फटी है और ब्लड वेसल्स फंस गई है? अगर अगर कोई आपके सर पे हथौड़ा मारे तो डेफिनेटली आपका स्कल भी टूटेगा। देखिए इसको हथौड़े से कम मत समझिए, कोई इतनी 12वीं या 14वीं मंजिल से गिर रहा है और अगर वो सर के बल गिरता है या सर पे कैसी भी चोट लगती है तो ये किसी हथौड़े। दोस्तों आगे बात करते हैं थोरेसिक कैविटी के बारे में। ये जो हमारी छाती होती है इसकी कैविटी जो अंदर होती है, देखिए मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि थोरेसिक कैविटी में जहाँ हमारे लंग्स होता है, हार्ट होते हैं, ठीक है, बाकी जो लिवर वगैरह है वो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाते हैं। थोरेसिक कैविटी और हमारी लैरिंग्स या फेरिंग से लेकर ये सारी थोरेसिक कैविटी है। तो जब लंग्स हमारे एक झिल्ली के अंदर होते हैं, एक मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, ठीक है, प्लूरल कैविटी, तो वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है कि उनकी रिब्स काफी टूटी हुई थी, ये जो पसलियां होती हैं ये टूटी हुई थी और इसमें कॉन्ट्यूजन, अगेन जो ब्लूइश कलरेशन जो कॉन्ट्यूजन होता है वो वहां पर देखने को मिल रहा है, रिब्स टूटी हुई हैं। अगर रिब्स टूट गई हैं दोस्तों तो रिब टूट के प्लूरल कैविटी में एक आध दो रिब घुस जानी चाहिए थी या काफी रिब्स जो है घुस जानी चाहिए थी पसलियां, पर वो प्लूरल कैविटी को लिखते हैं इंटैक्ट, प्लूरल कैविटी वहां पे बिल्कुल इंटैक्ट है। तो ये कैसे पॉसिबल है? उसके बाद वो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कैविटी होती है जहां पे हमारा हर्ट रहता है, पेरिकार्डियम होती है जो वो कैविटी होती है जो झिल्ली होती है जिसके अंदर हर्ट रहता है, तो वो भी इंटैक्ट है, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का नॉर्मल वेट है और हार्ट का साइज भी नॉर्मल है, कोई बड़ी वेसल्स में ऐसी कोई परेशानी देखने को नहीं मिली, नॉर्मल्स है। देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आती है हमारे एब्डोमन के बारे में। देखिए एब्डोमन में वो लिख रहे हैं कि एब्डोमन की वॉल्स जो है, एब्डोमन की वॉल्स बिल्कुल इंटैक्ट है, और उसके बाद वो लिखते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग काफी है और लगभग 1000 to 1200 cc क्यूबिक सेंटीमीटर की ब्लीडिंग वहां पर देखी गई है। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे है? और ये साफ दिखाती है कि हमारी बॉडी थी वो इस हिसाब से मुंह के बल गिरी थी, यानी कि आगे वाला हिस्सा पहले गिरा था सामने, वो ये दिखाता है। और पर कुछ इंजरीज हैं जो इस चीज से मैच नहीं हो रही है। उसके बाद बात आती है हमारी स्टमक कंटेंट्स की, जो हमारे पेट में क्या मिला, तो वो कहते हैं तकरीबन 150 ml या 150 cc हमको सेमी डाइजेस्टेड फूड देखने को मिला। सेमी डाइजेस्टेड का मतलब है किसी भी खाने को डाइजेस्ट होने में 3 घंटे का समय लगता है, सेमी डाइजेस्ट का मतलब है 1.5 से 2 घंटे का समय रहा होगा जब उन्होंने खाना खाया होगा कुछ भी, ठीक है। पेट में कोई अल्कोहल कंटेंट देखने को नहीं मिला है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने अल्कोहल कंटेंट बताया हो, पर जैसा कि हमें सुनने में आ रहा था कि उस समय पार्टी में शराब भी थी और इस तरीके की चीजों का प्रयोग हो रहा था। हालांकि वो यहाँ पे लिखते हैं कि काफी सौर स्मेल है, जो सावर स्मेल आ रही है बुरी तरह से पेट में से, तो वो तो डेफिनेटली इसकी वजह से भी आ रही है क्योंकि बॉडी को 2 दिन का रखा गया और जो बैक्टीरियोफेज होता है, जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से भी ये स्मेल आ सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली वो ये है कि जो लिवर है वो लैसीरेटेड, देखिये लैसीरेशन एक तरह की इंजरी होती है जो फट जाती है, जैसे कि फिर से मैं आपको ऐसा समझाऊं, आपके सर पे हथौड़ा मारा जाए तो जो स्किन है वो फट जाएगी, वो लैसीरेटेड हो जाएगी, तो लिवर में लैसीरेशन देखने को मिलते हैं। और वो लिखते हैं कि स्टमक वॉल्स क्लियर थी पर लिवर में लैसीरेशन थे, तो लिवर में लैसीरेशन इस वजह से भी आ सकते हैं, जो पसलियां टूटती हैं, हड्डी टूटी होंगी, जो हमारी रिब्स हैं वो एक दो रिब्स हमारे लिवर में जाके भी कहीं ना कहीं लग गई होगी
और उससे हमारे लेसिरेशंस आ सकते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के बाकी सारे ऑर्गन्स नॉर्मल बताए जा रहे हैं, साइज में स्प्लीन किडनी वगैरह सब नॉर्मल थे, ब्लैडर खाली था। ब्लैडर खाली था यानी कि वो यूरिन पास कर चुकी थी ऑलरेडी, ब्लैडर बिल्कुल खाली था। यानी कि अब यहाँ पर यह समझने की बात है कि जो बंदा सुसाइड करने जा रहा है या इस तरीके की बात है, पहले यूरिन जाता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड है, अधपचा भोजन है और उसके बाद सुसाइड करता है और मुंह के बल गिरता है, बाकी एल्बोस पर इंजरी आ जाती है, हील पॉइंट पर पीछे इंजरी आ जाती है, ये कैसे पॉसिबल है? मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी थोड़े से रिसर्च पेपर पढ़िए, दिमाग लगाइए। यहाँ के उन्होंने लिखा है कि उन्होंने वेजाइनल स्वैब्स लिए हैं उनके और एनल स्वैब्स भी लिए हैं, कहीं इस तरीके की कुछ कोई सेक्सुअल असॉल्ट की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए, पर उनकी रिपोर्ट इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दिखाई गई है कि उनकी क्या रिपोर्ट आई, कोई सेमिनल स्टेन्स मिले या कोई रेप की ऐसी पुष्टि हुई, कहीं भी ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है। हाँ, उन्होंने स्वैब लिए थे, बाकी क्या हुआ है ये चीज अगली रिपोर्ट में किसी में होगी। जो न्यूज चैनल पर देखने को मिल रहा था उसमें ये साफ था कि कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई है, और जहां तक कि हमें लगता है वो ये लगता है कि वो जो पार्टी थी उसमें उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार या अभद्र तरीके से कुछ किया गया था। अब जो फाइनल कॉज ऑफ डेथ है, आप यहां पे देखिए, फाइनल कॉज ऑफ डेथ है वो ड्यू टू हेड इंजरी है और कॉज ऑफ डेथ अननेचुरल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी एक्सीडेंट का इस तरीके का केस होगा और कोई भी डेथ होगी जो बिना किसी बीमारी के या इस तरीके से होती है, उसको अननेचुरल डेथ में कहा जाता है। उन्होंने इसको अननेचुरल डेथ कहा है, बिल्कुल ठीक है, पर हेड इंजरी की वजह से डेथ कहा है और रिब्स टूटी ये सब हुआ, तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ रहा है वो हेड इंजरी रहा है, जिसमें कि मेनिंजेस जो झिल्ली होती है हेड के, जो ब्रेन के ऊपर की, वो इंटैक्ट रही है, ठीक रही है। तो कहीं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अपने आप मैचिंग नहीं हो रही है कई चीजों की, जो थोड़ा सा संदेह ला रहे हैं दिमाग में, तो इसकी भी जांच दोबारा से अच्छे से होनी चाहिए। और चलिए, लाइव मिलते हैं 3 बजे जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद।